जो लॉन्च होने वाला है, मैं यहाँ कपास के ऊपर लिखे हूँ कि कपास मतलब पोनी, देह जलते जलन दे, कम से कम जल के दूसरा ला तो उजाला दे सकता, ये बात ला ये कपास में लिखे हूँ। 18 की उम्र में शुरू हो गई उम्र, हाँ परिवार पूरा सब कलाकार रही ने, और अभी मैं लोक कलमन छेरछेरा के राइटर हूँ। माता तोर दुआरिया के लागे वो मैं हंसत हूँ, तो जरूरी है माता, बहुत अच्छा सवाल करे वादरणी आप, तोर सुरता कैसे भुलाई, लेत नाम ये जिंदगी पहाई, और देवी देवता के मतलब ओकर मन के करीब हन ये सोचना पड़ती, सारी दुनिया त्याग के सिर्फ ओकर मन के नजदीक हन। जय जोहार संगवारी हो, आप मन देखा था आरजी न्यूज, मैं हूँ आप मन के साथ प्रियांशु कश्यप, और आज हमन आप मन ला मिलवाना चाहत हन एक ऐसन गीतकार से जे हा 300 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी में गीत लिख चुके है, और गीत के साथ जे हास्य व्यंग भी लिखते, और छत्तीसगढ़ के धरती में उमन के जन्म हुए, जुमन के नाम है रामेश्वर निर्मलकर जी। तो सबसे पहली सर स्वागत है आपके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमन जैसे आप मतलब देखथन के अभी 300 से ज़्यादा आप गीत लिखा था, जस गीत लिखा था, अभी आने वाला आप मन के गीत है जो लॉन्च होने वाला है, ओकर बारे में थोड़ा विस्तार से मतलब बताओ। अभी जो गीत जस गीत जो लॉन्च होने वाला है, मैं हाँ कपास के ऊपर लिखे हूँ कि कपास मतलब पोनी, पोनी के बगैर न माँ के दरबार हो, कोई भी देवी देवता के दरबार हो, दीप बन नहीं सके, अतका समर्पण भाव है कपास के कि ओकर देह जलते तब जाके सब लोग उजाला देते, खुद देह ओकर जलते उजाला हम पाथन, सबसे बड़ी बात यही। तो वो कपास के जीवन ला में हाँ मानविक लेखक ओकर संत समर्पण कोई नहीं कर सके। एक महादेवी जी के महादेवी वर्मा जी के एक रचना रही हिंदी में कविता, ओमें पुष्प का अभिलाषा लिखे गए रही कि पुष्प कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के प्रेम को दर्शाऊँ, मुझे उस पथ पर फेंक देना ए बनवाली, मुझे उस पथ पर फेंक देना ए बनवाली, जिस पथ पर जाते हों वीर अनेक, माने वीरों की पथ में बिछना चाहे एक फूल के अभिलाषा रही, वैसी एक कपास के एक पुष्प एकर अभिलाषा दिया के कि मैं हमेशा चारों तरफ उजाला बगरात रहूं, देह जल थे तो जलन दे, कम से कम जल के दूसरा ला तो उजाला दे सकता हूँ, ये बात ला ये कपास में लिखे हूँ। कपास कपसा देवी माता के दरबार में जब दीप जलते तो सारे दीप जो है मात्र रुई से ही बनाए जाते, जोत से लेकर सारे चीज, तो ये कपास के बारे में लिखा। थोड़ा सा मतलब दो चार लाइन गुनगुना के बताता कपास के बारे में। हाँ, कप सके बाती मैया, कप सके फूल वो, कप सके फूल चढ़े कप सके बाती वो, कप सके फूल चढ़े कप सके बाती वो, मन तोर मंदिर माँ मैया जीले जले नौ राती हो, कप सके फूल चढ़े कप सके बाती हो, कप सके फूल चढ़े कप सके बाती हो, तोरे मंदिर में जले नौ राती हो, तोरे मंदिर में जले नौ राती हो। आप मन के 300 से ज़्यादा जो गीत लिखे हैं, उमा जस गीत भी लिखे हुए या और अभी भी लिखा था, तो पहला गीत आप मन कौन से उम्र में लिखे रहा? पहला गीत तो मैं 18 की उम्र में शुरू हो गई उम्र, हाँ परिवार पूरा सब कलाकार रहने, बड़े भाई मन सब मास्टर रहने, तो मन नाचा पार्टी खोले, तो ओकर मन के लिए देख देख के गीत कहानी लिखे कि जिज्ञासा जागत गीत, ओमन सिर्फ संगीतकार रही लेकिन सारे गीत कहानी लिखना शुरू हो गई उम्र 18 की उम्र से, और अभी मैं लोक कलमन छेरछेरा के राइटर हूँ, वहाँ 45 ठो गीत पूरा रात के लिए, वो लोक कलमन छेरछेरा ग्राम पंदर के पाटन, वहाँ मोर गीत चलते, ओमे मैं कॉमेडी भी करता हूँ, मोर लड़का अभी नायक के रोल करते विवेक निर्मल है, और आदरणीय टिकेन्द्र नाथ वर्मा जी संचालक है ओकर, तो वो टीम में ना पूरा कॉमेडी तीखा व्यंग एक छेरछेरा की कहानी है, दान पुण्य समर्पण के भाव ले लेके कहानी लिखे, और 2.5 घंटा कहानी है।
आप मन इतका गीत लिखे है, जस गीत लिखे है, छत्तीसगढ़ के अंचल पर इतका काम करे है, तो एमा सरकार तरफ से कोई पुरस्कार पर आप मन ला मिले है अभी तक, या जैसे आप मन फिल्म मन पर गीत लिखा था अभी ता सरकार तरफ से? नहीं, अभी तक सरकार तरफ से वैसे सहयोग मोला नहीं मिले है। मंच मन में जाता हूँ, जो रात्रिकालीन मोर कार्यक्रम के दरमियान जो मेहनत आना मिलते वो मिल जाते, लेकिन सरकार से नहीं मिले है अभी तक मुला कुछ भी नहीं। अभी चैत्र नवरात्रि चला थे तो कोई जसगीत के दो चार गाय पंक्ति सुनाओ। चैत्र नवरात्रि चला थे तो माता के दरबार में ना अधिकतर माँ के प्रेम ला दर्शा के, माँ के प्रति प्रेम श्रद्धा दर्शा के लिखे जाते कि माता तोर दुआरिया के लागे ओ में हाँ हँसत हूँ, माता तोर दुआरिया के लागे ओ में हाँ हँसत हूँ, जिंदगी भर माँ कुछ नहीं पाए पर तोर दरस पाके जागत हूँ, माता तोर दुआरिया के लागे ओ में हाँ हँसत हूँ। ये अभी मोर आने वाला गीत ये जस गीत किया। अच्छा रामेश्वर जी, आखिरी सवाल है मोर, जैसे हमन प्रेम में लिखथन तो प्रेम ला हमन महसूस करथन हमन प्रेमी प्रेमिका के सामने, लेकिन जब ईश्वर में लिखथन हमन कोई गीत या जसगीत तो ओकर का अनुभूति होते है, कैसे ओकर प्रेरणा मिलते आप मन ला जसगीत लिखे बा या देवी गीत भजन जो भी आप मन लिखता? बहुत जरूरी है माता, बहुत अच्छा सवाल करे आदरणीय आप, कि माता जी के सिर्फ आँख बंद करके सोचो ना, दो मिनट आँख बंद करके सोचें तो अपन आप में अंदर फील होते कि मैं माँ के पास हूँ, फिर वहाँ से शब्द निकल आते, कल्पना है, हालांकि ये चीज़ मन कल्पना चीज़ है लेकिन पास में हन। प्रेमी के लिए लिखथन या प्रेमिका के लिए लिखथन, प्रेमी प्रेमिका प्रेम ला दर्शाथन तो अपन आप में पहली फीलिंग करथन, तब जाके गहराई में लिखबो। एक मोर वो गीत है समझो दर्द भर गीत, तोर सुरता कैसे भुलाई, तोर सुरता कैसे भुलाई, लेत नाम ये जिंदगी पहाई, लेत नाम ये जिंदगी पहाई, ये फील करना पड़ते और देवी देवता के मतलब ओकर मन के करीब हन ये सोचना पड़ते, सारी दुनिया त्याग के सिर्फ ओकर मन के नज़दीक हन ये सोचना पड़ते, तब जाके से सब तो उपस्थित ये मोर सोचना है, ये माता जी कृपा है सरस्वती माता के। चलते चलत कहीं रोड में मोला पूछ जाए कोई दो लाइन भी आप, अचानक एक शराबी मोला पूछिस कि मैं हूँ तैसे मोर बर 26 जनवरी पर मोर लड़का बर लिख दे मोर स्कूल में गाहिब हो, ते हंस अलग चीज हंस और तो लड़का बर लिख, नहीं नहीं सब देख के जान रहे कि मोर लड़का है। मैं कहूँ बड़ा अजीब ओकर वो मतलब समझा पाना बहुत मुश्किल, तो मैं ओला लिखे हूँ, ओला अतकिच लिखे हूँ, अपन बाप के कदम में बेटा देखा दे चल के, सब भट्टी होए तोरे मंदहाती ही रे कल के, वो अतकी वो शराबी अब ओकर फीलिंग से लिखना पड़ी, तो वो ये खुश हो गए कि पता नहीं ओकर स्कूल में घलो ओकर लेकर पहला पुरस्कार मिले ये सोचे तो, हाँ तो अपन बाप के कदम में बेटा देखा दे चल के, सब भट्टी होए तोरे मंदहा तिही रे कल के, मंदहा के सर में तैसे इज्जत के ताज रखबे, मंदहा के सिर में ऐसे इज्जत के ताज रखबे, कोनो मारे चाहे पीटे मोहब्बत के स्वाद चखबे, कोई मारे चाहे पीटे मोहब्बत के स्वाद चखबे, एक दिन ते बदल के रख देबे, एक दिन में बदल के रख देबे, सब वो छत्तीसगढ़ ला बदल के सब भट्टी हो है तोरे मंदहाती ही रे कल के, सब भट्टी हो है तोरे तो ये खुला हंसी आ जाए मोला बोला देखो तो, और वो कल लड़का ला जब पुरस्कार मिली तो वो पुरस्कार ला लेके वो आदमी है पहली बार देखो रोज सुबह शाम तक पीने वाला बिना पिए अपन लेकर धर के मोर घर में इस, चाचा तो लिखे गीत मोर लड़का पहला इस, तब लगिस के
ओकर स्वभाव के फिल्म में लिखे हो, लेकिन लगे ये कि आदमी थोड़ा सुधार है, कम से कम पी बिना पिए आए जी। तो आप मन हमार संग देखत रहा रामेश्वर निर्मल जी, जेहा छत्तीसगढ़ के माँ के कोख में ऐसन पुत्र पैदा हो हैं जिमन छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान ला देश भर में बढ़ाते हैं। और अगला हमन इसने और कलाकार जे छत्तीसगढ़ माँ के कोख में है, उमन से आप मन ला मिलवाबो। तब तक बर जय जोहार, आप मन देखत रहा आरजे न्यूज़।